नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्जाम पोर्टल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, क्राउन का मास्टर सीरीज चल रहा था, उसमें कुछ वीडियो जो बच गया था उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। अभी हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पढ़ा था परिवहन तक पढ़ लिया था, अब जनजातियाँ पढ़ना है। ठीक है, देखिए जनजाति क्यों इंपॉर्टेंट है। जनजाति जो होती है किसी भी देश की मूल निवासी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। और कुछ जनजातियाँ होती हैं, जैसे अभी बहुत सारी जनजातियाँ विलुप्त हो गई, जैसे कुछ जनजाति में जोरवे और भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह में उसी में बची हुई हैं। और बहुत सारी ऐसी भी हैं जो हमारे भारत के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती है। कुछ की जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, जैसे भील कोंड वगैरह की, तो और कुछ ऐसे हैं जो बहुत विलुप्ति के करार पर हैं, जिनके 2-4 सदस्य ही बचे हुए हैं। तो इस टाइप में चूँकि इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए अब कैसे है भारत में जनजातियाँ कैसे आए, वर्तमान जनसंख्या का कैसे वर्गीकरण किया गया, ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा किस किस टाइप का यहाँ पर आदमी होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं है ये, मतलब क्षेत्र के आधार पर विभाजन किया गया है। जैसे सिर चौड़ा होता है तो ये पश्चिमी चौड़े सिर वाले तो कहाँ पाए जाते हैं, ये पश्चिम बंगाल गुजरात, और किस किस जाति के होते हैं ये भी सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट है ये, देखिए ये जो भारत की प्रमुख जनजातियाँ हैं ये किस किस राज्य में पाई जाती हैं। जैसे कुकी, देखिए बिहार में भी पाया जाता है, तो बिहार में शायद इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन होगा शायद झारखंड वगैरह में दिया होगा। वो देखिए भोटिया, थारू, असुर, तो ये थारू पूछा हुआ है दरोगा में, तो इसको पढ़िए। भील है, गोंड है, गोंड देश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, इसको थोड़ा सा डाटा आप लोग चेक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि शायद ये चेंज हुआ था, भील था पहले, शायद अभी गोंड हुआ है, या गोंड था भील हुआ है, तो इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें जो भी है, जैसे ये राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट है, भील, मीना, गरासिया, बंजारी, ये पूछा भी था। ठीक है, तो सहरिया करके एक जनजाति था, उसको उसके बारे में पूछा था, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिए। ठीक है, इसमें कौन सा जनजाति कहाँ कहाँ पाया, सारा राज्य का नहीं याद करना है, लेकिन जो मैंने टिक लगाया है उनका तो आप लोग कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें बिहार का नहीं दिया हुआ है, लेकिन बिहार का डाटा विविध में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग वहाँ से याद कर लेंगे। ठीक है, हाँ देखिए ये विवाह का स्वरूप, इसमें थोड़ा सा कौन कौन जनजातियों में कौन कौन सा विवाह होता है, ये थोड़ा सा आप लोग विवाह देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए भारत की जनगणना, इसमें क्या है कि भारत की जनगणना को हम लोग थोड़ा सा इसमें कम पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम स्पीडी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डाटा अपडेट आता है, और वहाँ से हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, पहला नंबर तो ये हिस्ट्री दिया हुआ है, कैसे शुरू हुआ, तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ से पढ़िए। ठीक है, कैसे कैसे धीरे धीरे ये जनगणना का इतिहास है, क्या अब्दुल फजल कैसे कैसे शुरू हुआ, भारत में पहली जनगणना कैसे कब शुरू हुई, फिर उसके बाद कब हुआ, फिर क्रमिक रूप से मतलब एक सुसंगठित रूप से मतलब जनगणना कब से शुरू हुआ, तो ये सारा कुछ मतलब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, 72 में शुरू हुआ, फिर 81 में नियमित रूप से शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ डिफिनेशन होता है, जनसंख्या घनत्व इसको याद रखना है, लिंगानुपात, क्योंकि एक बार पूछा था कि मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर, साक्षरता, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिए। महाविभाजक वर्ष, इसको याद रखेंगे, क्या है कि इस बार ऐसा हुआ था कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। देखिए ये वाला नहीं पढ़ना है, 9 से 10, ये वाला आपको थोड़ा जो डाटा मैंने जो ये मार्क किया है ना, टिक लगाया, उसको आप लोग को पढ़ना है। देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले पाए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो क्षेत्रफल वाला ये राज्य है। ठीक है, इसी प्रकार ये थोड़ा जो डाटा मैंने टिक लगाया, जहाँ जहाँ मैंने टिक लगाया है उसको थोड़ा सा पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, जनसंख्या 2011, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। ठीक है, मैंने सबको टिक नहीं लगाया है, लेकिन कुछ को टिक लगाया है। ठीक है, तो जो इसको टिक लगाया है उसको आप लोग पढ़िएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कुछ है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ये जरूरी क्वेश्चन पूछा था, तो इसको भी पढ़ेंगे। न्यूनतम साक्षरता वाले, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, ये थोड़ा केंद्र शासित प्रदेश उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं कि मान लीजिए इनकेस अगर पूछ दिया तो फिर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको तो जो भी डाटा मैंने जो भी मतलब चार्ट में मैंने जो ये डायग्राम वाला दिया है, तो इसको मैंने जो भी टिक लगाया है उसको थोड़ा आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि कौन सा राज्य पहला है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ इसको आप लोग रट जाइए, लेकिन हाँ जैसे आप देखिए इसमें दिया हुआ है लिंगानुपात, इसको तो रटना ही पड़ेगा ना भाई, ये तो ज़रूरी है। साक्षरता दर कितनी है, तो ये सब सारा चीज़ रटना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये मैंने सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो इसमें पहला दूसरा कम से कम याद रखिए। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, तो इसमें पहला दूसरा याद रखिए। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, देखिए भारत बिहार दूसरा नंबर पर है, तो जहाँ जहाँ बिहार मिल जाए, अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो उसको तो याद ही रखिए कि इसमें क्या कुछ ना कुछ खास है, तभी वो पहला दूसरा नंबर में, तो उसको तो याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई डाटा दिया हुआ है, तो इसमें मैंने बिहार का टिक लगाया है। ठीक है, पूरा बिहार का,
टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, पूरा जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख, उसके बाद पुरुष जनसंख्या 54 लाख, महिला जनसंख्या 49 लाख, दशकीय वृद्धि दर कितना है 25, और दशकीय वृद्धि दर में भी बिहार बहुत आगे है, ठीक है, तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए इसमें हम लोग नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये बिहार का डाटा दिया हुआ है, क्या है तो लिंगानुपात। तो देखिए जनघनत्व कितना है, 1106 सबसे पहला स्थान पे आ गया है पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ते हुए। लिंगानुपात 1918, ठीक है, शिशु कितना है तो इतना है, ठीक है, और शिशु का जनसंख्या अनुपात इतना है और शिशु का लिंगानुपात इतना है। देखिए दो वो चीज़ होता है, एक लिंगानुपात एक शिशु लिंगानुपात, तो ये दोनों को याद रखना है, ठीक है। ये तो होता है पूरा टोटल, ठीक है, लेकिन ये होता है कि कुछ उम्र होता है कि इतना उम्र तक, मतलब जो शिशु होता है उनके साथ बच्चों का अनुपात क्या है, ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, ठीक। अब देखिए यहाँ फिर से ग्रामीण जनसंख्या सर है, तो ग्रामीण जनसंख्या कितना है टोटल, अब देखिए 2011 में कितना था बिहार का, इतना था, फिर नगरीय जनसंख्या इतनी थी, ग्रामीण जनसंख्या मतलब देखिए 87-88% लोग, लगभग 88 से ज़्यादा मतलब 89% के आसपास जो लोग हैं वो गाँव में रहते हैं बिहार में, ठीक है। नगरीय जनसंख्या 11%, मतलब इससे पता चलता है कि बिहार में नगरीकरण बहुत अभी भी कम है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो डाटा है बिहार का, तो इसको थोड़ा सा आप लोग एकदम पढ़ जाइएगा और स्पीडी से भी इसको पढ़ना है, ठीक है, ये ठीक है। इसमें बिहार का पूरा दिया हुआ है कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, सारा कुछ दिया हुआ है, इसको तो एकदम रट जाना है, मतलब इसको याद करना है एकदम पूरा ध्यान से, ठीक है, इसको याद कीजिएगा आप लोग पूरा ध्यान से, कहा कि बिहार का है, हो सकता है पूछ दे इसमें, नहीं तो BPSC में काम आएगा, दरोगा में काम आएगा, ESI में काम आएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा, और ये ज़रूरी भी है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो भूगोल का सीरीज था उसमें भारत का भूगोल समाप्त हो चुका है, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में कोई नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है, और अगर कोई देखता हूँ मैं शायद मैं साइंस शुरू करूँ या कोई और सब्जेक्ट मैं बताऊँगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।